Platform jet sale. Vacant possession. Quite cheap. Thanks a lot, Gulshan. Good morning. कम से कम इतना तो बता सकते थे कि रात का खाना घर पे नहीं खाओगे. सॉरी पूजा, अब अचानक होने वाली मीटिंग्स के बारे में पहले से कैसे जाना जा सकता है? इन मीटिंग्स डिस्कशंस में होता क्या है? सिर्फ बातें ना, और वो भी एक ही घिसे पिटे टॉपिक पे, आर्ट, लाइफ, सिनेमा. अच्छा, अगर ज्यादा थके हुए नहीं हो तो ये खत पढ़ लो. अच्छा अच्छा अच्छा, तभी बड़ा इंपॉर्टेंट खत है इंदर, इसे पढ़ लो प्लीज. यही लिखा है ना, Mr. Inder Malhotra, because of your radical differences with the agency's film policies, management hereby terminates your services. Please consider this as a notice to vacate your flat. नौकरी गई ना? Good. इसमें परेशानी की क्या बात है? तीन महीने में हमें कंपनी का ये फ्लैट छोड़ना होगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. नहीं, तीन महीने बाद हम लोग एक बार फिर सड़क पे होंगे, शायद इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है. ऐसा कब तक चलेगा इंदर? जब से हमारी शादी हुई है, जहां भी हम रहें, एक डर हमेशा साथ रहा है. इसके बाद कहां? इतने सालों बाद अपना कहने लायक एक घर भी नहीं बन सका हमारा. मैं वादा करता हूं पूजा, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी पसंद का तुम्हारा अपना घर मिल जाएगा. सपने, फिर सपने इंदर. पूजा, जब कभी भी घर के बारे में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तुम समझती हो दुनिया खत्म हो गई. रिलैक्स पूजा, तुम्हारी तरह ऐश और आराम से नहीं पली हूँ. यतीम हूँ, ऑर्फनेज में रही हूँ. बचपन से एक ही सपना देखा है कि किसी दिन मेरा अपना घर होगा जिसमें मैं इज्जत से रहूंगी. इंदर से शादी करने के बाद सोचा था ये मेरा सपना सच कर देगा, लेकिन कहाँ, छह महीने से ज्यादा तो वो कोई काम ही नहीं कर सकता. जब देखो झगड़ा करता रहता है. घर के प्रॉब्लम की वजह से आज तक मैं माँ नहीं बनी. पूजा सुनो, जब तक तुम एक दूसरे से प्यार करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. That's all that matters, पूजा. हेलो पूजा. हेलो अनिल जी. क्यों जी, मेरा लंच तैयार है कि नहीं? अभी लग जाता है. तुम्हारी खांसी कैसी है? पहले से बेहतर. क्या बात है पूजा, काफी परेशान लग रही हो. नहीं ऐसी, इन्हें तीन महीने में एक नया घर तलाश करना है. तीन महीने में? जी, तीन महीने में हम तुम्हारे लिए 300 घर ढूंढ लाएंगे. रिलैक्स. मुझे जलन होती है तुमसे. क्यों? क्यों ना हम जिंदगी बदल ले. पूजा मान जाओ प्लीज. अरे भाई मैं घर पे नहीं हूँ. हेलो इंदर, कैसे हो? 10,000 साल जियोगे तुम? अब तुम्हारी बात हो रही थी. नहीं एक्चुअली मैं तुम्हें डिफेंड कर रही थी. हाँ है ना, देखो तुम मेरी सहेली को ज्यादा सताया मत करो. अच्छा लो बात कर लो. बोलो. हाँ क्या, लेकिन ये कैसे मुमकिन है इंदर? मगर तुम कहाँ हो अभी? अच्छा मैं आती हूँ. क्या बात है पूजा? हमें घर आज ही छोड़ना होगा. अब ये लो,
तुम्हें मजाक सोच रहा है इंदर? मुझे लगता है तुम पागल होते जा रहे हो। रहने के लिए घर नहीं और तुम इंटीरियर डेकोरेशन पे किताब दे रहे हो मुझे। किसने का घर नहीं, घर है इंदर। प्लीज, तुम्हारा घर। यकीन नहीं हो रहा ना, अंग्रेजी भाषा जानती हो? ये देखो क्या लिखा है, फ्लैट होल्डर्स नेम मिसेस पूजा मल्होत्रा। बताओ इतना बड़ा फ्लैट कैसे खरीदा तुमने, इतने पैसे कहां से आए? बैंक में डाका डाला। सच सच बताओ ना। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हारा तो पति हो ना, इसलिए कभी कदर ही नहीं की इस जीनियस की, पर दुनिया ने पहचान लिया। मतलब? मतलब ये कि मुझे एक पार्टनर मिल गया, वो पैसा लगाएगा और मैं दिमाग, यानी कि फिल्म्स बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी एक फिल्म कंपनी भी खोल ली है। आज से मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करूंगा। ये तुम्हारे लिए। इस घर को सजाने बनाने में किसी तरह की बचत मत करना, कोई कंप्रोमाइज मत करना। जितनी भी तुम्हारी मुरादें हैं ना, सब पूरी कर लेना। और जब मैं लौट कर आऊंगा तब। लौट कर कहां जा रहे हो? गोवा। क्यों? वहां मुझे 3 फिल्म्स की शूटिंग करनी है और एक फिल्म में तो फिल्म स्टार कविता भी काम कर रही है। कब जाओगे? आज नहीं, आज नहीं। कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। तुम्हें घर चाहिए था ना, घर मिल गया। अब इसके बदले तुम्हें मुझसे कुछ दिन अलग रहना ही पड़ेगा और फिर तुम इस घर को सजाने वजाने में जुट जाओगी। पर्दे, पलंग, अलमारियां, ये सब चीजें तुम्हें मेरे बारे में सोचने का मौका ही कब देंगी? इंदर, बेडरूम छोटा है लेकिन मैं पलंग बहुत बड़ा लगाऊंगी। दीवारें क्रीम रंग की होंगी, पर्दे भी उसी रंग के। लाल कारपेट कैसा रहेगा? सारा फर्नीचर केन का। हॉल में बहुत सारे पौधे लगाऊंगी, जैसे बाहर की हरियाली अंदर चली आई हो।
हेलो 57843 हाँ पूजा मल्होत्रा है हाँ बोल रही हूँ होल्ड कीजिए गोवा से कॉल है हेलो गोवा पार्टी होल्डिंग पूजा कैसी हो तुम ठीक हूँ वापस कब आ रहे हो शायद कल शाम को क्या करूं पूजा काम ही खत्म नहीं हुआ पूजा सुन रही हो इंदर मैं अभी अभी एक सपना देख रही थी हमारा बच्चा है इंदर तुम अकेले हो ना वहां क्या क्या मतलब मेरा मतलब है कोई और तो नहीं है कमरे में हाँ मैं और मेरी तन्हाई इंदर हरीश है क्या वहां कौन हरीश तुम्हारा असिस्टेंट नहीं क्यों तुम उससे कहो वो मेरे लिए वहां से कुछ पौधे ले आए अब मैं ले आऊंगा अच्छा रखता हूँ बाय पूजा बाय देखो मेरे पौधे लाने नहीं भूलना चौकीदार बोला छह माले वाली मैम सबको काम वाले भाई चाहिए आओ क्या काम करोगी भांडी कपड़ा झाड़ू पट्टा ऊपर वाला काम कुछ भी काम से मैं नहीं डरती हम लोग दो ही हैं मैं और मेरे पति सुबह दो तीन घंटे का काम है शाम में दो घंटे का बस दोपहर में तो घर का काम है हाँ चालल पगार कितनी लोगी आप पच बोले ना देखो अभी 50 रुपए दूंगी बाद में काम देके बढ़ाऊंगी चालल ये तुम्हारी आंखों क्या हुआ मरद ने मारा क्यों वो जब से दूसरी औरत किया है ना रोज कुछ ना कुछ नाटक करता है दूसरी शादी की है उसने शादी नहीं मैम साहब ऐसे च रख के लाया उसको अच्छी म्यूनिसिपालिटी की नौकरी थी दारू के लफड़े में वो भी छूट गई एक साल से घर का खर्चा मैं चलाती हूँ दारू के वास्ते पैसे भी देती हूँ फिर भी मारता है बच्चे कितने हैं तुम्हारे बस यही छह मैम साहब ये मेरे बरोबर रहेगी आपको तकलीफ नहीं देगी बाजू में बैठी रहेगी मरद के पास इसको अकेला नहीं छोड़ना है मेरे को हाँ हाँ ठीक है मुंह से अंगूठा निकालिए दांत खराब हो जाएंगे फिर कोई शादी नहीं करेगा मैं तुम्हारी जगह होती तो छोड़ के चली जाती ऐसे मर्द को ये सब तुम कैसे बर्दाश्त करती हो या भैया छोड़कर जाने के बाद मगज में कभी आई च नहीं 7 जन्म की गांठ है ऐसे थोड़े छूटेगी वो मारता है पीटता है मैं चिल्लाती हूँ आखिर मेरा मर्द है ना वो दूसरी औरत भी कैसी है उसे मालूम नहीं वो तुम्हारा पति है पता है मैम साहब पर वो बेचारी भी दुखी है बहुत दुखी है कल रात्रि पीकर उसको भी मारा बहुत मारा हम लोगों का ऐसे क्या काम करना व मार खाना उड़ गा मैं काम से नहीं डरती मैम साहब मेरी माँ छोटपन से उसकी माँ के साथ काम करती आई है मैं मेरी माँ के साथ छोटपन से काम करती आई हूँ हम लोगों का ऐसे चलता आया है पर मैंने ठहराया है मेरी बेटी ये काम नहीं करेगी वो पढ़ेगी इंग्लिश स्कूल में जाएगी आप लोगों जैसी बनेगी मैम साहब ये काम करना मेरा पगार है ना वो बैंक में रखना मेरी बेटी के नाम पे मैंने मेरे भरत को बताया नहीं यहाँ काम करती हूँ करके बाकी वाले 2 इंच घर के काम का पता है उसको इतना करेंगे ना मेरे लिए क्यों जी आप इंग्लिश स्कूल में जाओगे अंग्रेजी पढ़ोगे देखो कौन है हाँ देखती हूँ भाई हाथ मेरी भाई है मैं इसका घर वाला हूँ
ये साली मुझसे झूठ बोलती है, अपने घर वाले से झूठ बोलती है, मुझसे कहा दो ही घर में काम करती है, अब ये तीसरे घर की कमाई किसी यार के लिए है क्या? छोड़ो, भाई तुम अंदर जा। ओ घर ना जाना तुम यहाँ। मैं इसका घर वाला हूँ मैम साहब। तो क्या हुआ? होगा क्या, ये साली तीन घरों का अनाज खाकर पेट भरती है, मैं कल रात से भूखा हूँ, 10 रुपए एडवांस निकल। मैं एक पैसा नहीं दूंगी, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चौकीदार को बुलाती हूँ। वो तुम्हें घर जाना मेरा अच्छा लगी थी। अरे जोरू की कमाई मर्द को नहीं दोगी तो किसको दोगी? 10 रुपया लाओ। तुम जाते हो यहाँ से, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, वो तुम्हें घर लग जाओ अपने मन के। अरे तुम लोग इंदर देखो यहाँ भी शराबी की बदतमीजी कर रहा है। क्या हो रहा है, कौन है तू? मैं मत पकड़ो साहब, मैं अपने औरत के पास 10 रुपया मांगा। आपके पास तो नहीं मांगा। अरे पीके धंधा करता है, शर्म नहीं आती? हाथ लगाओ, मार भी मार सकता है। देखिए तेरी उठा के साले को नीचे फेंक। अरे तुम चलो ना, चलो मेरे साथ। पागलों की ये तभी से निकल जा, कितना लग रहा लगी उन तू गरीब। अरे चलो बाबा, सब लोग नीचे। हम अबे निकल जा, तुम भी जाओ यहाँ से। अरे उसमें इसका क्या दोष है? ऐसे घटिया लोगों को घर में नहीं रखना चाहिए। घटिया तो इसका शौहर है जो शराब पी के उसे मारा था। भाई तुम जाओ अंदर। हम कहाँ डांट रहे हो बेचारी को, उसके बावजूद किसी हाल में भी उसके साथ निभा रही है। मेरा शौहर होता तो कब का छोड़ दिया होता उसे। अरे छोड़ो भी पूजा, पूजा वैसे तुम्हारे टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा खासा घर तुमने सजा लिया इंदर। वैसे इंदर हमारी अगली फिल्म यहीं शूट करते हैं। मैं बात बोल रहा हूं, कमाल तुम्हारे 20 20 20। देखो ये सनफ्लावर, ये कैप्सिकम और ये। थैंक यू। अरे अभी आए, अभी जा रहे हो? बहुत काम है पूजा, कल क्लाइंट को फिल्म दिखानी है, बल्कि आज देर तक काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अनिल जी और परना को खाने पे बुलाया है। काम तो करना ही पड़ेगा पूजा। देखो इंदर कितना बुरा लगेगा, आज पहली बार वो लोग हमारे नए घर आ रहे हैं और तुम ही नहीं हो घर पे। ठीक है मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। बाय। हेलो ऑपरेटर इंदर। यस 534260। माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। यस ऑपरेटर। मैडम मम्मी से बात कीजिए। माँ, हेलो माँ, माँ, हाँ मैं कविता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हाँ तबीयत? हाँ अचार? अचार, अचार मिल गया। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और अभी बीच वाले कमरे का डेकोरेशन भी बाकी है। तुम्हारे राइटिंग टेबल के ही कम से कम 1000 रुपए लग जाएंगे। क्या सोच रहे हो? पूजा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात है इंदर? मैम साहब आटा पिसा के लाती हूँ, चक्की बंद हो जाएगी। पूजा मैं सोच रहा था बीच का कमरा ऐसे ही रहने दो, काम के लिए दफ्तर तो है ना। यही बात करनी थी। हाँ क्यों? देखो मेरा दिल कैसा धक धक कर रहा है, ऐसा लगा जैसे तुम कोई बुरी बात कहने वाले हो। बुरी बात क्या हो सकती है? आए दलीप, प्लीज ऑर्गेनाइज सम कॉफी। जी सर। लेट्स स्टार्ट। मेरे मंदिर मत जाइए प्लीज।
For exquisite jewelry, come to Tribhuvandas Bhimji Jaweri, Opera House, Bombay. Very good. Lekin, where is the product? Hamara product kahan hai? Mujhe product chahiye. Dalip, is film mein Kavita hai. जो फिल्म देखने वालों को प्रोडक्ट की याद दिलाती रहेगी। मिस्टर इंदर मल्होत्रा, हमने 80,000 रुपए कविता सन्याल को इस पिक्चर के लिए दिए। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में यह सबसे कीमती पिक्चर है, लेकिन हमने ये पिक्चर कविता सन्याल के लिए नहीं, अपने प्रोडक्ट के लिए बनाई है, जो है ही नहीं। दलीप, तुम बात समझ ही नहीं। आओ ना, आओ तुम। मैडम, आपने बुलाया? गुलशन, इंदर के यहाँ फोन करो, मुझे पूजा से बात करनी है। सॉरी मैडम, मेरे ख्याल में जो मैं कह रही हूँ वो करो। जी मैडम। फोन। हेलो 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 हेलो, पता नहीं कौन है। मैं कह रहा हूं। इंदर, पूजा, देखो पूजा, प्लीज समझने की कोशिश करो। शुरू में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ बस में नहीं रहा। ये सब तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे भीतर ही भीतर खाई जा रही है। ना मैं काम कर सकता हूं, ना मैं सो सकता हूं, रात रात भर पागलों की तरह जागता रहता हूं। मेरा कलेजा पड़ जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता पूजा, बर्दाश्त नहीं होता। पूजा, कुछ नहीं। मत लगाओ मुझे।
हेलो जी। गुलशन जी वो एक मिनट आपसे। यार अंदर आओ यार, अंदर आओ। बैठो। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा है। मैडम शूटिंग छोड़ आई हैं। आपसे फोन पे बात करने के बाद एकदम घबरा सी गई हैं। अरे यार कौन सी नई बात है, होता रहता है, तुम तो जानते ही हो। कहाँ है इस वक्त मैडम? जी नीचे गाड़ी में, एक मिनट आपसे मिलना चाहती हैं। पूजा मैं नीचे से अभी आता हूं। अभी आ जाओ यहाँ इसी वक्त। क्या बात है पूजा? तुम आओ मैं बताती हूँ, प्लीज पढ़ना। हाँ मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग पूजा, मैं आ रही हूँ। हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा, इंदर ऐसे कर सकता है? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला पूजा, अपना सामान बांधो और चलो हमारे साथ। दो दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे, खुद आएगा भागा भागा। नहीं पढ़ना, इसे ऐसे नहीं करना। क्यों? चाहिए क्योंकि ये इसका अपना घर है, इसलिए इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। पूजा ऐसे रिश्ते ज्यादा देर नहीं टिकते। वो वापस आएगा पूजा, घर की दीवारें इतनी कच्ची नहीं होती, इतनी आसानी से नहीं टूटती। 7 साल का रिश्ता है तुम दोनों का, हौसला रखो। लेकिन अनिल मैं पूजा को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। मैम साहब मैं रहूंगी ना इनके साथ। चलता हूँ। इंदर प्लीज मुझे सिर्फ दवा लगा दे दो, फिर तुम चले जाना। ओके? ऐसा क्या हुआ है मुझे? हाँ मामूली सी चोट तो लगी है। तुम लोग खाम। इंदर प्लीज मेरी कसम है तुम्हें, प्लीज लो करो जो कुछ करना है। चाहिए मैम साहब? दरवाजे की घंटी बजी क्या? नहीं तो अरे ये नींद में भी अंगूठा चूसती है क्या? फिक्र न करो मैम साहब, भगवान सब ठीक करेगा। सो जाओ। पूजा मुझे कविता सानियाल के घर ले चलो, इंदर से मिलना है। तुमने भी ये बात मुझसे छुपाई रखी, तुमने भी चले।
पूजा क्यों अपने आप को गिराना चाहती हो? देखो तुम यहीं ठहरो। मुझे अपने पति से मिलना है। इंदर, शुरू से यही बात तुम्हें समझा रहा था मैं। बार बार काश तुमने मेरी बात मानी होती तो। जिसी दिन का दर्द था इंदर, इसी दिन का। कहाँ है पूजा? बाहर टैक्सी में। ये क्या किया तुमने? उसे यहां क्यों लेकर आए? और मैं क्या करता? ने तुमने पूजा की हालत देखी है? चीज इंदर वो खुद ऊपर आने वाली थी। क्या उम्मीद करते हो मुझसे? क्या कर सकता हूं मैं? इंदर ये पागलपन छोड़ो, घर चलो प्लीज, बहुत हो चुका। नहीं हरीश, मैं फैसला कर चुका हूं। अपने ये फैसला बाहर जाकर पूजा को सुना दो। हरीश, पूजा को ऑफिस ले जाओ, मैं वहां आता हूं। प्लीज प्लीज हरीश। हरीश, दलीप आने वाला है, उसके साथ बैठकर फैसला कर लो। ये रोज रोज की झिकझिक खत्म हो जानी चाहिए। मुझसे क्या गलती हुई इंदर? मैं कहां भूल कर बैठी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। मैंने तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा पूजा, फर्क इतना पड़ गया है कि मैं कविता से भी प्यार करता हूं। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर यतीम खाने में पहुंच गई। मुझे बहुत डर लग रहा है इंदर। पूजा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास घर है, बैंक में पैसा है, और हम अब भी दोस्त हैं और सदा रहेंगे। कविता के बावजूद भी हमारी दोस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। इंदर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। चलो यहां से कहीं चलते हैं दूर, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। जो कमी थी, कमजोरी थी, कोशिश करूंगी वो ना रहे। एक मौका और दे दो इंदर। नहीं पूजा, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं कविता के साथ ही रहूंगा। इसी में हम सबकी अच्छाई है। हेलो कविता, मैं पूजा बोल रही हूँ। देखो फोन मत रख देना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो इंदर को मत बताना मैंने फोन किया। तुम सुन रही हो ना? हाँ बोलो। देखो तुम औरत हो, मेरी बात आसानी से समझ सकोगी। कविता, मैं बिल्कुल अकेली हूं। इंदर के सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम सुन रही हो ना कविता? प्लीज
मेरे इंदर को मुझसे मत छीनो, उसके बिना मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी मैं? तुम सुन रही हो ना कविता? कविता मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ कविता, इंदर को मेरे लिए छोड़ दो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं इंदर के बगैर। दो हफ्ते हो गए इंदर अब तक घर नहीं आया, फोन भी नहीं किया उसने, बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। पूजा इतना नहीं सोचते, मन को जरा ढीला भी छोड़ना होता है, इस तरह कसे कसे रहने से। बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ना, लेकिन कुछ बस में नहीं है। पूजा उस घर की चार दीवारों में कोशिश करना फजूल है, उस घर में हर चीज इंदर की याद से जुड़ी हुई है। कुछ दिनों के लिए तुम ये क्यों नहीं तय करती हो कि तुम बाहर जाओगी, नए लोगों से मिलोगी, खुश रहने की कोशिश करोगी? हाँ पूजा चलो, आज रात ही को एक पार्टी का इनविटेशन है, बहुत अच्छे लोग होंगे वहाँ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं पन्ना। हाँ पूजा, आप इस पार्टी में जा रही हैं, यह तय हो गया। अब आप एक काम कीजिए, हमारी गाड़ी में आप चले जाइए, चेंज करके पार्टी पे पहुंच जाइए। हमें एयरपोर्ट जाना है किसी को रिसीव करने, हम वहां से सीधे आ जाएंगे। हाँ पूजा। नाउ लेट मी सी वेयर हैव यू मेट बिफोर। हम लोग पहले कहाँ मिले हैं? दरअसल हम पहले कभी नहीं मिले, पर्णा और अनिल जी ने, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा ने। ओह आप मिसेस पूजा मल्होत्रा हैं, राइट? अभी मिसेस मेहरा का फोन आया था, दे विल बी राइट हियर एनी मोमेंट। अभी आए नहीं? कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज कम, प्लीज मेक योरसेल्फ एट होम। आ मिस्टर रवि, हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम। इंदर मल्होत्रा है, उसकी बीवी है, इसका चक्कर वो कविता सन्याल के साथ चल रहा है। उसी की धर्म पत्नी है। हेलो, अगर आप थक गए हो तो मुस्कुराना बंद कर दीजिए, वैसे भी कोई देख नहीं रहा है। जी? इस मुस्कुराहट को उतार के फेंक दीजिए, देखिए चेहरे को कितना सुकून मिलता है। मेरा नाम राज है, आपका? पूजा। थम्स अप? नहीं। पूजा जी, मेरी एक समस्या है, आपको क्या लग रहा है सारे लोग जो इस पार्टी में आए हैं मेरी गजल को अप्रीच पाएंगे? मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूं, यकीन नहीं आता ना। पूजा जी, एक आर्टिस्ट को जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, देखिए ना मुझ जैसे टैलेंटेड सिंगर को, मुझ जैसे कैसी कैसी महफिलों में गाना पड़ता है सिर्फ पैसों के लिए। कल ही मैं एक मुंडन सेरेमनी में गा कर आया हूं। जी हाँ। या राज, कम ऑन राज, कम ऑन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्लीज साइलेंस, दोस्तों साइलेंस प्लीज। पूजा जी, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, बैठ जाए। अगर ये हाथ ऊंचा नहीं उठाऊं तो ये कुर्ता जो यहाँ से फटा हुआ नजर तो नहीं आएगा ना? राज, कम ऑन राज, कम ऑन, कम ऑन। देखिए ड्रिंक गाने के बाद है शांति। बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया
यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है थैंक यू वाह क्या बात है क्या बात है बहुत खूब क्या गाते हो यार कमाल है कमाल तुम्हें कविता जी से मिला हेलो मैडम हेलो बहुत अच्छा गाया आपने बहुत ही सच नाइस मीटिंग यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू इंदर सुनो इंदर हेलो अच्छा गाते हो थैंक यू सर माय प्लेजर माय प्लेजर क्या हुआ हेलो हेलो अब ठीक है थैंक यू इंदर I'm sorry इंदर सॉरी इंदर ओके बाय कविता और इंदर छोड़ दिया मुझे क्या हुआ तुम्हें किसे फोन कर रही हो हेलो डॉक्टर साहब मैं कविता बोल रही हूँ कविता मुझे डर लग रहा है फिर से डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है किससे डर लग रहा है किससे डर लग रहा है तुम्हें बोलो अपने आप से सबसे हर चीज से डर लग रहा है इंदर कहाँ है इंदर कुछ नहीं कर सकता वो खुद डरा हुआ है आप आ जाइए प्लीज कविता आप प्लीज हुआ क्या है तुम्हें प्लीज कविता इंदर को फोन दो आप आ जाइए प्लीज प्लीज गिव द फोन टू इंदर अभी आ जाइए प्लीज प्लीज कविता देखो इंदर मैं डॉक्टर पुरी बोल रहा हूँ कविता को तुम दो नींद की गोलियां दे दो पर उससे ज्यादा नहीं वरना खतरनाक हो सकता है और सुनो जी कविता को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना मैं भी आता हूँ ओके कविता कविता ये लो लो गोलियां खा लो बैठो मैं भी पानी लेकर आया कौन है
सब आए हैं। कल रात तुम्हारे घटिया बर्ताव की वजह से जानती हो क्या हुआ? कविता ने, उस बिचारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर कविता को कुछ हो जाता ना पूजा, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता, तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। इसमें उस बिचारी का क्या दोष? यही ना कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मैंने गलती से तुम्हें मंगलसूत्र पहना दिया तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम कविता को जलील करती हो। क्या कम से कम इतनी इज्जत करो मेरे घर की। घर तुम्हारा घर, सच्चाई सुनना चाहती हो? जिससे तुम अपना घर कह रही हो वो कविता की वजह से है। ये सामान, ये टेबल, ये सब कुछ उसी की मेहरबानी से है। जिस कविता का तुम नाम नहीं सुनना चाहती, ये सब उसी के पैसे से हुआ है। और सुनना चाहती हूं? नहीं! आइंदा से मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो हरीश से कहलवा देना। एंड प्लीज लीव अस अलोन। इंदर, आई डोंट फील लाइक इट। अरे चलो ना, ड्राइव पर चलो। ये कोई जाने का वक्त है। क्या बात है? ये मैम सब ने दिया है। इंदर, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। 7 सालों में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हम कब इतने ओछेपन पर उतर आए पता ही नहीं चला। मैं चेकबुक, चाबियां और जो कुछ कैश मेरे पास था वो सब भेज रही हूँ। तुम्हारी कविता मुझ पर एहसान करके अपनी आत्मा को साफ रखना चाहती है, मगर मैं उसको ऐसा मौका नहीं दूंगी। उसे गिल्ट के साथ ही जीना होगा। 2000 रुपये जो हमारी शादी के पहले से इस अकाउंट में पड़े थे वो मैंने रख लिए हैं। मैं जा रही हूँ, इज्जत से जीने की कोशिश करूँगी। तुम्हारी कविता के घर से जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। तुमसे जुदा होकर जीना तो आता ही नहीं मुझे। जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस करो मैं हूँ, रहूँगी। पूजा, अपनी मेम साहब से कहो ये नाटक बंद करे। इस दुनिया में अकेली औरत को इतनी आसानी से छत नहीं मिलती। लो। नहीं साहब, अब मैम साहब उस घर में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जाओ। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लड़कियों को जगह मिल सकती है जो नौकरी करती हो। तुम नौकरी करती हो? जी हाँ करती हूँ। कोई सर्टिफिकेट या अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर है तुम्हारे पास? जी इस वक्त तो यहाँ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन में दे देना। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। जी यहाँ नाम लिखकर दस्तखत कर दो। तुम पूजा मल्होत्रा हो? हाँ। देखो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? अपनी चीजें और सूटकेस खुले कमरे में खुला मत छोड़ा करो। कल को तुम कहोगी मेरी ब्रा चोरी होगी, मेरी पैंटी चोरी होगी, मेरी कीमती साड़ी चोरी होगी, और फिर इल्जाम मुझ पर लगाओगी। मेरे कमरे में रहना है तो सब कुछ ताले चाबी में रखना सीखो, जैसे मैं रखती हूँ, समझी? अच्छा। आज फिर बैंगन की सब्जी? वाह, कौन खाएगा? मिसेस पूजा मल्होत्रा कौन है? जी तुम नौकरी करती हो ना? जी हाँ। तो अब तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? जी वो कल तक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, नहीं तो निकाल दी जाओगी। मिसेस भल्ला जी, आपको इस तरह किसी को कमरा नहीं देना चाहिए, यह कानून के खिलाफ है। कल तक इसका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जी बहुत अच्छा। नौकरी नहीं है ना? नहीं है। है? तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ।
तुम नौकरी नहीं करती, मैं जानती हूँ। घबराओ नहीं, मैं हॉस्टल वालों को नहीं बताऊंगी। सच तो ये है कि मैं भी नौकरी नहीं करती, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था। कैसे? बहुत से रईस दोस्त हैं मेरे, उन्हीं में से एक ने अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लाकर दिया था। बस आज रात मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो नौकरी के लिए तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। अब सच बताओ, नौकरी है या नहीं? तो चलो तैयार हो जाओ, नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे अब तक जाग रही है? कैसी रही बड़े साहब से मुलाकात? नौकरी का कुछ हुआ ना? क्या समझती क्या हो तुम मुझे? मैं समझती थी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सचमुच मेरी मदद करने के लिए मुझे वहां ले जा रही हो, लेकिन तुम तो एक गंदी बीमार औरत हो और सबको अपने जैसा गंदा और बीमार समझती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां ले जाने की? घिन नहीं आती अपने आप से? कितनी पवित्र बन रही हो तुम, बहुत महानता का एहसास हो रहा है ना, बहुत नाज है अपने आप पर। मुझे बुरा कहकर अपने आप को अच्छा समझ रही हो, लेकिन मुझे बुरा कहने का हक कैसे मिला तुम्हें? मेरे साथ चलकर तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, मैं आउट ऑफ द वे गई क्योंकि तुम्हें जरूरत थी। अगर तुम अपने आप को संभाल नहीं सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा कौन सा तूफान टूट पड़ा है तुम पर? क्या किया होगा गोविंद ने? तुम्हें किस करना चाहा होगा? सोने को कहा होगा उसके साथ? तो इसमें कौन सी आफत आ गई? इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता, चाहत हो या जरूरत, पाने के लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और देने के लिए हम औरतों के पास इस जिस्म के अलावा है ही क्या? इवन शादी जैसे पवित्र रिश्ते में क्या है? यही लेन देन है ना? वो एक रिकॉर्ड कंपनी में रिसेप्शनिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है वो। इससे पहले कि कंपनी वाले अखबार में इश्तेहार दे, तुम क्यों नहीं वहां जाकर कोशिश करती? ये मत सोचना कि मैं खुद बेकार रहकर ये नौकरी तुम्हें दिलवा रही हूं। मैं इतनी महान नहीं हूं। 9 बजे से 6 बजे तक का दिन, हफ्ते में 6 दिन, और सिर्फ 900 रुपये महीना। Not interested. मुझे जिंदगी से और भी बहुत कुछ चाहिए, और ये बहुत कुछ पाने के लिए मैं बहुत कुछ देने को तैयार हूं। ये रहा रिकॉर्ड कंपनी का पता। जाओ नौकरी के लिए कोशिश करो। ये रहा मेरा फर्स्ट क्लास का पास, पैसे बच जाएंगे। प्लीज फिल इन दिस फॉर्म, द जनरल मैनेजर विल मीट यू शॉर्टली। नेक्स्ट वीक रिकॉर्डिंग इज कैंसिल, काइंडली होल्ड द लाइन। हेलो, और कोई मिले ना मिले, हम तो जरूर मिलेंगे। शायद यही लिखा है हम लोगों की तकदीर में। इंटरव्यू देने आई हैं? मेरी यहाँ ऑडिशन होने वाली है। कैसी हैं आप? आप फिर मुस्कुरा रही हैं। उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, उस रात को आपने जो कुछ किया उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। कायल हो गया मैं आपका, सच। बाय द वे, 11 रुपए 40 पैसे आप पे उधार हैं जी। इसलिए कि उस रात को आपको छोड़ना पड़ा ना घर, उसके लिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ी। ओह,
ये पैसे लौटाकर उधार चुकाने की बजाय आप मुझे लंच क्यों नहीं खिलाते? अगर आपको नौकरी मिल जाए तो राइट? पूजा मल्होत्रा, यू मे गो इन नाउ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इंटरव्यू के बाद मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट। मिस या मिसेस? जी। जो आज पत्नी है वो कल माँ तो बनेगी। मैटरनिटी लीव की प्रोविजन नहीं देते हम। यू नो वी आर टेलिंग इन शो बिजनेस। लेकिन सर मैं यकीन दिलाती हूँ ऐसी कोई बात। ऐसा यकीन आप कैसे दिला सकती हैं? आई एम सॉरी। आपको देख के ऐसा लगता है मेरा लंच गया। इन बेसरों ने मुझे भी ऑडिशन में फेल कर दिया। मेरे गाने पसंद नहीं आए। जाहिल सब के सब। लेकिन पूजा जी, ऐसा तो कोई कानून नहीं जो ये कहता है कि नाकामयाबी का जश्न नहीं मनाया जा सकता। चलिए मैं आपको लंच खिलाता हूँ। नहीं मैं। ग्रैंड लंच पूजा जी, प्लीज। आई एम अ वेरी गुड कुक। आइए मेरा घर पास ही है। आइए प्लीज। आप यही सोच रही ना कि मेरे जैसे इंसान के पास ये मकान क्यों और कैसे? दरअसल ये मेरा मकान नहीं है, पेस्टन जी घोड़े वाले का है। वो कौन है? एक ऐसा इंसान जिसका पहला शौक है रेस और दूसरा शौक संगीत। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है। 60 घोड़ों का मालिक है। 60। आइए आपका ग्रैंड लंच। आइए ना। एक पार्टी में कुछ पियकड़ों की फरमाइश पर मैंने एक गाना सुनाया था। वहां ये साहब भी थे, मेरी आवाज के दीवाने हो गए। पिए तो थे, इमोशनल होकर इस मकान की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। मगर अब सुना है इसे तोड़कर यहां स्तबल बनाया जाएगा उन घोड़ों के लिए। खाइए। बहुत जल्द मैं बेघर होने वाला हूं। क्या सोच रही हैं आप? यही कि आज रात हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगी। क्यों? आपका घर तो है ना? था, अब नहीं है। कमाल है, आपका घर था अब नहीं है। मेरा घर है जो रहेगा नहीं। कितनी मिलती जुलती समस्या है हम दोनों की। खाइए। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए? आज ही ना? आप कॉफी पीजिए, मैं 20 मिनट और 13 सेकंड में आया। मगर तुम जा रहे हो आपकी समस्या को हल करने। लेकिन मैं ये झूठा अपॉइंटमेंट लेटर कैसे दे सकती हूँ हॉस्टल वालों को? हमारे सिवाय कौन जानता है कि ये खत झूठा है? लेकिन ये तो जुर्म है। जिस झूठ से किसी को नुकसान ना हो और किसी को फायदा होता हो, वो झूठ ना तो झूठ है और ना ही जुर्म। ओके? फिर भी कोई अच्छा सा नाम सोचो जल्दी। क्या नाम? जिस कंपनी में आप काम करती हैं उसके मालिक का नाम क्या हो सकता है? मुझे नहीं सोचता। पेस्टन जी घोड़े वाला। ये लीजिए। ओहो, आप नहीं मानेंगी ऐसे। ये सचमुच जुर्म है। अगर जुर्म है तो हथकड़ी मुझे लगेगी, आपको नहीं। चलें, मुझे टाइपराइटर वापस लौटाना है। एक ड्रिंक और यार। वन फॉर द रोड। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, रोज रोज ऐसा दिन थोड़े। पार्टी कैसी रही इंदर? अच्छी, बहुत अच्छी। अब चार पांच दोस्त थे हम। आज हरीश का जन्मदिन है ना। हैप्पी बर्थडे हरीश। लेट्स हैव अनदर ड्रिंक। पूजा कैसी है इंदर? कौन? तुम्हारी पत्नी पूजा, वो नहीं थी पार्टी में? तुम समझती हो जितनी देर मैं इस घर से बाहर रहता हूं पूजा के साथ रहता हूं? क्या हो गया है तुम्हें? चाहे तो हरीश से पूछ लो तुम। हरीश से मैं क्यों पूछूं? हरीश तो खुश होगा ना अगर तुम तुम्हारी पत्नी के पास वापस चले गए तो। वाह,
क्या अंदाज है मेहमान नवाजी का। मेरे दोस्त की बेइज्जती के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, सुबह ये सब क्या था? क्या था सुबह? क्या तुमने नहीं देखा? क्या नहीं देखा? कितने बजे उठी तुम आज? 7 बजे। क्यों? हाँ, इसलिए तुमने नहीं देखा। क्या नहीं देखा? पूजा, आज अचानक मेरी आंख 6 बजे खुल गई है। मैंने देखा बहुत सारी रोशनी थी कमरे में, मैं घबरा गया। मैंने खिड़की खोल के देखा, एक बड़ा सा सूरज चमक रहा था। दूसरी खिड़की खोल के देखा, एक दूसरा सूरज था। जब मैंने दरवाजा खोला, तीसरा सूरज था। आज आसमान में 3 सूरज क्यों थे? क्यों थे? आज 18 सितंबर है, तुम्हारा जन्मदिन। तुम्हें कैसे मालूम? है या नहीं? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? सही है या नहीं? है, लेकिन तुम्हें किसने बताया? उस दिन जब तुम नौकरी के लिए फॉर्म भर रही थी, तो मैंने तुम्हारा जन्मदिन पढ़ लिया था। देखो पूजा, आई नो इट्स बैड मैनर्स, आई एम सॉरी। सॉरी अगेन। देखो पूजा, जिंदगी में हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं। वैसे ही जिंदगी आंसुओं से, गमों से, दुखों से भरी हुई है। इसलिए जब भी मौका मिल जाए, जब इंसान हंस खेल सके, तो उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जी भर के हंसना चाहिए। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा जन्मदिन अपने घर पे, अपने खर्चे पे मनाना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम 7 बजे आ जाओ तो। 7:30 बजे? नहीं नहीं, 8 बजे। इंदर, हेलो। हेलो, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम? अच्छी हूँ। बैठो। कैसे आना हुआ? कविता की तबीयत ठीक नहीं है। किसकी? कविता की। क्या हुआ? वो डरती है कि जब मैं घर से बाहर जाता हूं, तो समझती है कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। इनसिक्योरिटी का एहसास उसके लिए बीमारी बनता जा रहा है। जानती हो, जब मैं उसके पास नहीं होता, तो समझती है कि तुम्हारे साथ हूं। मेरे साथ? बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है। बीमार है ना वो? मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या है? तलाक की दरख्वास्त। ये सिर्फ एक बहाना है कविता के डर को मिटाने का। इस पर तुम्हारे सिग्नेचर देखकर उसे इत्मीनान हो जाएगा। पूछा, वो बहुत दुखी है, बीमार है। ये सिर्फ एक खेल है कविता के लिए दिखावा। यकीन मानो, हमारे बीच कुछ। कहाँ साइन करना है? दस्तखत मिसेस पूजा मल्होत्रा के नाम से करनी। हाँ, तारीख 18 सितंबर।
तुम्हारी कॉपी। थैंक यू पूजा। और तुम्हारा घर वैसा का वैसा ही है। अगर तुम अगर मैं तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो तो थैंक यू इंदर। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो क्या हाल है क्या दिखा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो बन जाएंगे जहर पीते पीते बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो ये अश्क जो पीते जा रहे हो जिन जख्मों को वक्त भर चला है जिन जख्मों को वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो तुम क्यों उन्हें
छेड़ जा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गुड नाइट। गुड नाइट पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है पूजा। पूजा मल्होत्रा से मल्होत्रा के हट जाने पर पूजा अधूरी नहीं रही, वो तो अपने आप में ही पूरी है। यही तो है असली पूजा। आज ही जन्म हुआ है इस असली पूजा का। भविष्य में पूजा अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी, इस दुनिया में अपने लिए जगह खुद ही बनाएगी। इस नए जन्म पर मेरी तरफ से एक तोहफा है। नहीं, इसकी क्या? इसे अपने पास रख लो, बहुत बड़ा सरप्राइज है इसमें, मेरे जाने के बाद ही खोलना। We are pleased to inform you that you have been appointed as a housekeeper in our hotel. Please report for duty from the 20th of September. Happy birthday to you. La 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 bamba. लेकिन ये तो सरासर बचपना है। इंदर ताला के कागजात ले आया और तुमने साइन कर दिए। तो और क्या करती? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ पूजा, तुम देखना, एक दिन इंदर तुम्हारे पास लौट आएगा। तलाक के कागजात साइन करने के बाद भी? जी हाँ, तलाक क्या उसे कल मिलने वाली है, कम से कम 6 महीने लगेंगे। पूजा, मैंने सैकड़ों केसेस हैंडल किए हैं, 6 महीने में पति और पत्नी के बीच कोई ना कोई समझौता हो ही जाता है, और तुम्हारे केस में भी यही होने वाला है। हाँ पूजा। हाय पूजा। हाय रीता। टिल्ट। क्या बात है राज? हेड्स या टेल्स? क्या? हेड्स या टेल्स? हेड्स। हेड्स, थैंक गॉड। फिर भी न जाने डर क्यों नहीं जाता पूजा। कैसा डर? कैसा डर? पूजा जानती हो, इस वक्त एक रिकॉर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में मेरी पहली रिकॉर्ड छप रही है। रियली? या कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड इस शहर के, इस देश के हर रिकॉर्ड बेचने वाली दुकान में पहुंच जाएगी। लोग पहली बार मेरी आवाज सुनेंगे, अगर उनको मेरी आवाज पसंद आई, मेरे गाने अच्छे लगे और रिकॉर्ड बिकी, तो मैं स्टार बन जाऊंगा, वरना बैक टू मुंडन जर्मनी। ओ माय गॉड। मुझे यकीन है तुम्हारा रिकॉर्ड जरूर बिकेगा। सच पूजा? ऑफ कोर्स। पूजा, भगवान से दुआ मांगो मेरा रिकॉर्ड चल जाए और मैं स्टार बन जाऊं। मैं दुआ मांगती हूँ कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। देखो, वो परफ्यूम लाना नहीं भूलना। अच्छा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप पूजा को बुला सकती हैं? ओके। जल्दी प्लीज, जल्दी। मेरा नाम राज है। पूजा? जी। वो अभी अभी डाइनिंग रूम में खाना खाने गई है। खाना? नो, नो, नो। नहीं पूजा, नहीं। क्या हुआ? तुम्हें खाना नहीं खा सकती। क्यों?
नहीं खा सकती, मैंने कहा ना, चलो। तुम तो मुझे इस हॉस्टल से निकलवा के रहोगे, इस तरह डाइनिंग रूम में घुसा है, जानते नहीं ये लेडीज हॉस्टल है? सॉरी। इस बदतमीजी की वजह? अरे ये देखो। क्या? ये गाड़ी मेरी है, मेरी। मतलब? I have become a star, पूजा, a star. No. Yeah. इस बदतमीजी की यही वजह है। और आज आपका लंच संगीत की दुनिया के नए मशहूर होनार कलाकार राज के साथ है। And बड़ा पाव नहीं है। It's gonna be a grand, grand lunch. इतने थोड़े से वक्त में इतनी कामयाबी हासिल करना कैसा लगता है? कामयाबी बड़ी अजीब चीज है पूजा। क्यों? सिर्फ एक रिकॉर्ड की कामयाबी से गाने वाले की जिंदगी बदल जाती है। अचानक बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब ये देखो ना, एक आदमी एक गाड़ी की चाबी दे गया सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, दूसरा आया यूरोप के टूर पर ले जाना चाहता है और उसके बदले में एक बड़ा सा फर्निश्ड मकान देगा मुझे, और दो बड़ी रिकॉर्ड कंपनियां आपस में लड़ रही मेरे अगले रिकॉर्ड के लिए। ये सब तुम्हें खुशी नहीं देता? खुशी तो बहुत होती है पूजा, लेकिन कुछ दिनों से दिल कुछ और ही मांग रहा है, और ऐसा लगता है कि ये कामयाबी शौहरत नाम मेरे उस दिल की मांग को पूरा न कर पाए। इतना सब कुछ पाकर अब और क्या मांग रहा है तुम्हारा दिल? गुड आफ्टरनून सर। ड्रिंक्स। पूजा कौन कहता है मुझे शराब नहीं मिल सकती? मैनेजर को बुलाओ। सॉरी सर, द बार इज क्लोज्ड। बंद हो चुका है, लेट्स लीव प्लीज। अरे खुलवाओ यार, शराब नहीं मिल सकती साले। इंदर अरे छोड़ यार, मैं ठीक हूँ। पूजा, हाय पूजा, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी हो? अच्छा है। इंदर ये राज हैं। हेलो। हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ वो पार्टी में बहुत अच्छा गाते हो तुम। चलिए पर ना इंतजार कर रही होगी। बाय पूजा। इंदर पागलों क्यों क्या? चुप कर जाओ। पूजा परना को मेरा प्यार देना, अनिल को भी। गुड डे मैम। गुड डे। बाय राज। हरीश इतना शर्मिंदा हो रहा था। आप दोनों अपनी खुशबू जरा बंद करेंगे, आपको मालूम है रिकॉर्डिंग होने वाली है। पूजा बता रही थी कि आज लंच पर उसकी मुलाकात इंदर से हुई। अच्छा कैसा है वो? नशे में था, चेहरे पे थकावट और परेशानी थी। राज को मेरे साथ देख के शायद फैसला कर लिया कि ये मेरा आशिक है। पूजा तुम कैसे जानती हो कि जो उसने सोचा वो सच नहीं है? झुके झुके सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुके झुके सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुके झुके सी नजर। But
प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। चलती हूँ। पूजा, पूजा मेरा मकसद तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था, जो सच बात थी मैंने कह दी। पूजा मैं तुमसे, राज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, नेक सच्चे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ पूजा, सिर्फ यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार, इस लफ्ज का मतलब मैं नहीं जानती। प्यार को जानने या समझने की जरूरत नहीं होती है पूजा, सिर्फ महसूस करना ही काफी होता है। लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं करना चाहती, मैं बगैर किसी एहसास के जीना चाहती हूं। मुझे जीने दो राज, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। अरे भाई, तुम यहाँ? ओ, अभी तक अंगूठा नहीं छोड़ा, कैसी हैं आप? मैम साहब, हिम्मत वाली हैं आप, यहाँ अकेले रहती है? बराबर तो है। अच्छी, बहुत अच्छी। आपका पता बहुत ढूंढा, बाद में परना मैम साहब से मिला। आपके जाने के बाद बहुत फिक्र लगी आपकी, ये तो रोज रोज पूछती थी मैम साहब किधर है, मैम साहब किधर है करके, आपके घर चलने का हट करती थी। आपका आ ढूंढने का आपको। अच्छा, अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुई इनकी? उसी के वास्ते आई हूँ मैम साहब, स्कूल का दाखला आज से शुरू होने का है। आप मेरे साथ चलो ना, वहाँ लोग अंग्रेजी में बात करता है, मेरे को कुछ नहीं समझ आता, और वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं पढ़ने को, मेरे को देख कर इसको नहीं लेंगे तो। कौन सा स्कूल है वो? पुराने घर के बाजू वाला है ना, कौन सा का? कॉन्वेंट। अच्छा चलो। बच्चे की माँ नौकरानी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? दाखिले के जितने टेस्ट थे वो तो इसने पास कर लिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल में एक नया विंग बन रहा है, उसके लिए 1000 रुपया चंदा दाखिले की शर्त है, वो तो ये दे नहीं सकेगी। मैं दूंगी मैम साहब, मैं 1000 रुपया दे दूंगी। ठीक है, 1000 रुपया मिलने पर हम इनकी बच्ची को दाखिल कर लेंगे। क्यों परेशान करें मुझे? बाय पूजा। बाय। क्या चाहते हो तुम? पूजा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो बात नहीं हो सकती। अब क्या बात करनी है? प्लीज पूजा। कहा क्या कहना है?
देखो पूजा, कोई रिश्ता कितना ही बड़ा कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिंदगी का हिस्सा होता है। जिंदगी किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं कि एक रिश्ता खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। एक रिश्ते के सोग में तुम जीना तो नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा जीना छोड़ दिया, काम कर रही हूँ। खुद अपने आप से आंखें चुरा के जीने को अच्छी तरह जीना तुम कहो तो कहो, मैं नहीं कहूंगा। तुम्हें यह हिम्मत क्यों नहीं कि तुम अपने आप से यह पूछ सको कि तुम क्या चाहती हो? क्यों झूठ बोल रहे हो अपने आप से? मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं जिंदगी की सच्चाइयों से थक गई हूँ। मैंने बहुत कड़वे सच सुने हैं राज। मैं जानता हूं पूजा, लेकिन जिंदगी का हर सच कड़वा नहीं है। यह भी तो एक सच है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। यह भी तो एक सच है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। और यह भी तो एक सच है कि जिंदगी अपने गमों के कैद खाने में बंद होकर गुजारी नहीं जा सकती। पूजा, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे होने का कोई अर्थ है या नहीं, यह फैसला तुम्हें मेरे लिए नहीं कम से कम अपने लिए तो करना ही होगा। मुझे गलत मत समझो, हमारी दोस्ती में जो फासले हैं वो उस दिन तक उतने ही रहेंगे जब तक तुम अपनी मर्जी से कोई कदम न उठाना चाहो। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती राज। मैं तुमसे कोई वादा चाहता भी नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपने आप को एक मौका और दो। हो सकता है तुम्हें फिर जिंदगी पर एतबार आ जाए। देखो राज, हो सकता है जो तुम कह रहे हो ठीक हो, लेकिन मेरे लिए यह सब मान लेना इतना आसान नहीं है। मैं सोचूंगी। तुम सोचोगे? चलती हूं। मैसेज को पूजा से चीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर। पूजा, पूजा ये कविता की माँ है। आई एम डॉक्टर पुरी, उनका साइकियाट्रिस्ट। क्या बात है? देखिए, कविता बहुत बीमार है और बीमारी दिमागी है। मेडिकल टर्म्स में इसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें मरीज को तरह तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं, अजीबोगरीब बेबुनियाद डर लगते हैं, गिल्ट, पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। अब तक जो भी दवाएं हमने दी हैं उनका कोई असर नहीं हुआ है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक बचा है। इलेक्ट्रिक शॉक में बहुत तकलीफ होती है बेटी, तू ही उसे उस तकलीफ से बचा सकती है। तेरे साथ कविता ने किया, ठीक नहीं किया। तेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, उसी के की सजा तो भुगत रही है वो। उसे माफ कर दे बेटी, वो सिर्फ तुझसे डरती है। इंदर को तुझसे छीन के भी उसे चैन नहीं मिला, उसकी आत्मा उसे हर वक्त कोसती रहती है। वो पागल नहीं है बेटी, तू एक बार उसे मिल ले तो उसके सारे डर मिट जाए, उसको चैन मिल जाए। तू चलेगी मेरे साथ? वो भी तुझे मिलना चाहती है। हेलो कविता। हेलो, बैठो। अब तबीयत कैसी है? तबीयत क्या हुआ है मुझे? क्या मैं बीमार लगती हूं, पागल लगती हूं? नहीं। अब कौन सी तरकीब सोच रही हो मुझे डराने की? क्या आज रात क्या खेल खेलोगी मुझे डराने के लिए? तुम्हें मुझसे डर लगता है क्यों कविता?
पिछले कई दिनों से तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज रात मेरे घर में आकर रोती हो और इतनी होशियारी से रोती हो कि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। क्या मिलता है तुम्हें मेरे घर में आकर रोने से? हाँ, क्या रोने से दुख घटता है? अब अपने ही के कुछ उठलाना चाहती हो? ये कहना चाहती हो कि ये सिर्फ मेरा वहम है? पूजा, पूजा, मैं थक गई हूं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन ऐसे डरा डरा कर मुझसे बदला मत लो। प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। पूजा प्लीज, क्या मैं अब भी तुम्हें पागल लगती हूं? नहीं कविता, तुम पागल नहीं हो। तो फिर चले जाओ, चले जाओ यहां से। जा रही हूं और तुम्हें यह विश्वास दिला के जाना चाहती हूं कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी यहां। पूजा, पूजा, मैंने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। भूल जाओ कविता, मेरा घर था ही नहीं, इसलिए तुमने कुछ नहीं उजाड़ा। अपना ख्याल रखना। तुम चलो, मैं आती हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन। उसे कहो मैं आती हूं। यस, हेलो अनिल जी, मैं पूजा बोल रही हूं। वो मेरी काम वाली बाई थी ना? हाँ, ये उसका अपना स्टेटमेंट है। जी हाँ। उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि कल रात उसके पति ने उसके पैसे चुराए। वो पैसे उसकी बच्ची की पढ़ाई के थे। सुबह जब उसे पता चला कि ये पैसे गायब हैं, तो वो अपने पति को ढूंढते ढूंढते उसके रखेल के पास पहुंची। वो नशे में था, वहां उन दोनों का झगड़ा हुआ और फिर उसने लिखा है कि उसने अपने पति को चाकू से मार डाला। There's no chance for her. आप उनसे मिल सकती हैं। क्या करके जमा किए थे मैंने वो पैसे? उसने मेरी जिंदगी का तो सत्यानाश किया ही, अपनी बेटी का भी इच्छार नहीं किया। इसका अब क्या होगा मेम साहब? इसका तो कोई नहीं, इसके नसीब में भी झाड़ू पट्टा छे। अब वो भी कहां सिखाया मैंने इसको? क्या क्या सोचा था, कुछ नहीं कर सकती। क्या होगा मेरी बेटी का मेम साहब? क्या होगा?
घबराओ मत भाई, मैं हूं ना, मैं हूं। हरीश, तुम्हें तो मालूम है कि कोर्ट ने मेरे तलाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मेरी और कविता की शादी होने वाली है। मैं ऊपर से तुम्हें कुछ कार्ड्स ला कर देता हूँ, तुम शहर जा रहे हो, क्लाइंट्स से बांट इंदर। इंदर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? इंदर, 7 साल पहले इन्हीं हाथों से मैंने वो मंडप सजाया था जिसमें तुम्हारी और पूजा की शादी हुई थी। तो इंदर, ये हाथ उतने नहीं बदले जितने तुम बदल गए हो। यू चेंज इंदर, इसीलिए ये लो। ये क्या? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। इंदर, ये शादी के कार्ड कितने पड़े? मैंने, मगर क्यों? क्या हो गया तुम्हें? होश आ गया मुझे। पहला कार्ड फाड़ने के बाद ही एक अजीब सा सुकून महसूस किया मैंने। इंदर, पूजा को मिलने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा। जो शादी 7 साल में उसे कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकी, वो मुझे क्या देगी? अब क्या करने की सोच रही? क्या चाहिए तुम्हें? कहा क्या चाहिए आज तक नहीं जान सके, मगर आज इतना जरूर जान गई हूं कि क्या क्या नहीं चाहिए मुझे। इंदर, मुझे ये झूठ की जिंदगी, ये फरेब का जीना नहीं चाहिए। इंदर, मैं इस नए डर के साथ नहीं जी सकती। कविता, अचानक क्या हो गया है तुम्हें? इस रिश्ते के खोट नजर आ गए। तुम चले जाओ। नहीं इंदर, नहीं कविता, तुम चले जाओ। नहीं कविता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कविता, कविता चले जाओ। इंदर चले जाओ। कविता, इंदर, इंदर, माजी, कविता ठीक है ना? ठीक है, शायद पहली बार उसके कदम सही दिशा में उठे हैं। उसे जाने दो। माजी, तुम पूजा के पास चले जाओ, इसमें सबकी भलाई है। तुम्हारा हक तो नहीं बनता, लेकिन हो सकता है पूजा तुम्हें माफ कर दे। चले जाओ, जाओ। हेलो। हाय, तुम बाहर क्यों? चलो चलो अंदर आओ। नहीं, पूजा से बात करनी है। पन्ना से ले जाओ। चलो बेटे, वो अभी आती है। हाँ, कहो। पूजा, मैं मेरे और कविता के बीच में अब कुछ नहीं रहा, सच। मान लो उसने मुझे ठुकरा दिया। पूजा, वैसे ही वो तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर पाई,
मुझे बहुत अफसोस है इंदर, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पूजा, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आया हूं। तो मैं हार गया हूं, थक गया हूं पूजा। यह सच है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, और यह भी सच है कि मैं अब कभी कविता के पास लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूं पूजा, यकीन दिलाता हूं कि मैं आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सच सच पूजा। एक सच और बता दो इंदर। क्या? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, अगर वही मैं तुम्हारे साथ करती और इसी तरह लौट कर आती, तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते? नहीं। गुड बाय मैम। हेलो पूजा, परना और अनिल मिले थे, उन्होंने इस बच्ची के बारे में सब कुछ बताया है। पूजा, तुमने इस बच्ची को सहारा देकर बहुत। नहीं राज, मैंने इसे सहारा नहीं दिया, बल्कि इसे कुछ पाया है। मां बनने का मौका, अपनी तन्हाई को बांटने का मौका, और अब राज, कानूनी तौर पे मल्होत्रा हमेशा के लिए मेरे नाम से अलग हो गया। अपने होने का एहसास आज पूरी तरह जागा है मुझ में। देख रहा हूं पूजा, महसूस भी कर रहा हूं। एक दिन तुम्ही ने कहा था राज, पूजा तुम अपने में पूरी हो, अपने नाम को हर नाम से अलग करके मैं पूजा बन के ही जीना चाहती हूं। मुझे गलत मत समझना राज, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मुझे सहारा दिया है, लेकिन आज तुम्हारा सहारा मुझे कमजोर बना देगा, बहुत कमजोर। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी राज, लौटना पड़ा तो फिर तुम्हारे पास ही आऊंगी, लेकिन आज जाने दो। जाओ पूजा, जो साहस तुम्हारे अंदर जागा है वही है जीवन का सही अर्थ। अब तुम्हें कभी किसी मल्होत्रा या राज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें रोकूंगा नहीं। थैंक यू राज। पलट के मत देखो पूजा, आगे देखो।